अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई यू शुड प्रमोट वन प्रोडक्ट एट अ टाइम इन एफिलिएट मार्केटिंग, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है। राइट, दिस इज तौहीद अहमद, द फाउंडर ऑफ ट्रिपल सेवन एम्पायर, एंड आई हेल्प यू टू मेकिंग You super awesome. So, अगर हम यहाँ पढ़ते हैं, so, दोस्त यहाँ पर मैंने अभी-अभी पोस्ट किया है जो अपना एफिलिएट मार्केटिंग का ग्रुप है ना, उसमें मैंने अभी-अभी एक पोस्ट डाला है जिसमें मैंने बताया है लोगों को एग्जैक्ट एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। सो यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। फर्स्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और बताऊंगा कि क्यों आपको वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग इज एन ऑनलाइन सेल्स टैक्टिक डेट Let's a product owner increase sales by allowing others targeting the same audience. Affiliate to earn a commission by recommending, ये ध्यान से पढ़ना, recommending the product to others. At the same time, it makes it possible for affiliate to earn money on product sales without creating products of their own. Simply put, affiliate marketing involves referring a product or service by sharing it on a blog, social media platform, or website. The affiliate earns a commission each time someone makes a purchase through the unique link associated with their recommendation. Done well, the performance based opportunity can become an important part of your business by netting you a healthy income. So guys, यहाँ आपको समझ में आया? It is not about sales. It is not about sales. Yes, it is about referring. कि आप लोगों को कोई सा product recommend करते हो कि ये product मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये product use करके लगा कि भाई ये product आपको भी help कर सकता है। तो तब आप लोगों को refer करते हो एंड लोग उसको खरीदते हैं। अब रेफर करने का जरिया आप ब्लॉग के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू, पॉडकास्टिंग के थ्रू, कैसे भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग फर्स्ट। अब जो सेकेंड चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फोकस। जब आप एक प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा काम करते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, उसको यूज करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे लोगों को हेल्प कर पाएगा। तब आपका उस प्रोडक्ट पर, मतलब बताना ये चाहता हूं कि आपका उस प्रोडक्ट पर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका फोकस उस प्रोडक्ट पे नहीं होगा, यू कांट रेफर अदर्स। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपकी कोई तबीयत खराब होती है, आपको कुछ हो जाता है, एंड आप उस डॉक्टर से सही हो जाते हो, फिर वही जैसा आपका तबीयत था वैसे किसी दोस्त को या आपके पड़ोसी को, किसी को भी होता है आपके फैमिली में, तो आप बोलते हो कि भाई इस डॉक्टर के पास जाना, आप रेकमेंड करते हो उसको, रेफर करते हो कि इस डॉक्टर के पास जाना, आपका ये इलाज हो जाएगा। राइट, तो आपने क्या किया, आपने उसका एफिलिएट कर दिया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब आपने टाइम दिया उस डॉक्टर के साथ, उस डॉक्टर पर फोकस किया, तो पता चला ये चीज है इस डॉक्टर में क्वालिटी, इस क्वालिटी से ये और लोगों की हेल्प कर सकता है। राइट, यही एक सुपर एफिलिएट करता है। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे सुपर एफिलिएट के पास कुछ अवार्ड्स होते हैं इस तरह के, अभी बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा आपके पास। तो ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्लिक फनल का बहुत ज्यादा लोग उस पर ध्यान देते हैं, बट ये ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन गाइस, एट अ टाइम आपको एक प्रोडक्ट पर ही फोकस करना है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है एफिलिएट मार्केटिंग में। लोग आपको बोलते हैं कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्ट करो, फिर उसको प्रमोट करो, एंड देन उसको सेल करो। इट इज अ लाई, आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, आपको झूठ बोला जा रहा है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेसफुली करनी है, तो आपको किसी एक प्रोडक्ट पे एट अ टाइम करना पड़ेगा फोकस, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ये है कि आपको पहले प्रोडक्ट को यूज करना है और फिर लोगों को रेफर करना है। इट इज नॉट अबाउट सेलिंग। अगर आप इसको गलत वे में करोगे, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक प्रोडक्ट पर फोकस करने लगते हो, उसके बारे में आपको पता चलने लगता है, एंड देन आप लोगों को रेफर करने लगते हो, तो आपको डायरेक्ट इनकम बनती है, और उसके बाद आपको पैसिव इनकम बनती है।
अब जब आपका ये दोनों बनने लगा है, आपने 10-20 प्रोडक्ट सेल कर दिया है, देन आप उसको स्केल कर सकते हो अपने एड्स के थ्रू, जो भी आप एड्स यूज करते हो लाइक फेसबुक, गूगल, बींग, नेटिव एक्सेट्रा, आप कोई सा भी एड प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, आप उसको स्केल कर सकते हो। तो गाइज याद रखो, एक प्रोडक्ट क्यों आपको प्रमोट करना है, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानना है, देन उसको रेफर करना है, एंड देन कोई उसको परचेस करेगा, आपको रेगुलर इनकम होगी और फिर उसके बाद आपको पैसिव इनकम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस एट वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। अगर आपको सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनना है तो वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, डिपेंड ऑन यू, बट हाँ उस प्रोडक्ट के बारे में जानो, तभी आप उसको सही से रेफर कर पाओगे। अगर आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाओ चेक करो, 90% ऑफ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, अगर आपको काफी अच्छे से ये सारी चीजें सीखनी है, ऑलमोस्ट यू कैन से फ्री, राइट? सो नाउ गो एंड ग्रैब इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।